वैसे तो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली के गैंगस्टरों की चर्चा रोज़ाना होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में खासकर मैं गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के झारखंड के कनेक्शन को लेकर आया हूँ, जिसके बाद अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक कांड के बारे में खुलासा कहा हुआ है तो गलत नहीं होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे। देखिए, एक कुख्यात गैंगस्टर को पुलिस अब जेल से लाकर लॉरेंस बिश्नोई के मामले में पूछताछ करने वाली है। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर गोविंद राय, जिसकी गिरफ्तारी के बाद लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड का कनेक्शन निकलकर सामने आया है और झारखंड के एटीएस ने गोविंद राय को उस वक्त गिरफ्तार किया था जब वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग से जुड़े हुए दो अपराधियों को पश्चिम बंगाल से ओडिशा पहुँचाने गया था। दोनों आरोपी हरियाणा के एक व्यापारी जिनका नाम था सचिन मुंजाल, उनकी हत्या में शामिल थे। इसके बाद झारखंड की एटीएस एक्टिव हुई और गैंग के तार झारखंड से भी निकले। एटीएस अब उसी कुख्यात गैंगस्टर गोविंद राय को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। एटीएस कोर्ट से उसकी कस्टडी लेने की कार्रवाई में जुट गई है और वो झारखंड के ही हजारीबाग जेल में बंद है, जिसका नाम है एक और गैंगस्टर है विकास तिवारी, उससे भी एटीएस पूछताछ की तैयारी कर रही है और बहुत ही जल्दी एटीएस की टीम गैंगस्टर विकास तिवारी से भी पूछताछ करने वाली है। कहा जाता है बिश्नोई का गैंग झारखंड के अलावा दिल्ली, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान में एक्टिव है। लॉरेंस बिश्नोई जेल से अपने गैंग को ऑपरेट करता है और इसके अलावा अमेरिका से लॉरेंस बिश्नोई का जो छोटा भाई है अनमोल बिश्नोई और अजरबैजान से लॉरेंस बिश्नोई का जो भांजा था सचिन बिश्नोई ऑपरेट कर रहा था, अभी गिरफ्तार हुआ है और इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट ऑपरेट कर रहे हैं लोग। झारखंड एटीएस ने पांडे गैंग के कुख्यात बदमाश गोविंद राय को भी 8 अप्रैल को ओडिशा के बालासोर से भी हाल ही में गिरफ्तार किया था और करीब 6 सालों से जो गोविंद राय फरार था, 25,000 का इनामी बदमाश था और जो गोविंद राय की जो गतिविधियां थी कई दिनों से आतंकवादी निरोधक दस्ता जो है एटीएस गिद्ध की पैनी नज़र उस पर रखा हुआ था और जैसे ही मौका मिला टीम ने उस गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया। करीब 15-16 दिन पहले जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर पांडे गैंग का सरगना विकास तिवारी का एक आदेश आया जिस पर गुड़गांव और हरियाणा के व्यापारी सचिन मुंजाल की हत्या हुई थी। हत्याकांड में शामिल दो कुख्यात अपराधियों को पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के अशोकनगर में गोविंद राय छिपा कर रखा था। झारखंड एटीएस और हरियाणा की पुलिस जब दबिश देती है तो उसकी वजह से जो अपराधी हैं उन लोगों को पश्चिम बंगाल से अपने स्कॉर्पियो में बिठाता है और ओडिशा के बालासोर स्टेशन लाकर छोड़ देता है। एटीएस के एसपी ने कहा है कि जो टीम है नज़र रख रही थी और गोविंद राय के पहुंचने के जैसे ही टीम को भनक मिली, झारखंड के एटीएस और हरियाणा की पुलिस की टीम जलेश्वर थाना इलाके से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है और वो विधायक प्रतिनिधि राजकिशोर बावरी उर्फ वितका बावरी की हत्या में वांछित चल रहा था। इसकी जाँच फिलहाल एटीएस कर रही है। विधायक प्रतिनिधि के हत्याकांड के मामले में गोविंद राय के विरुद्ध कोर्ट से गिरफ्तारी का वारंट निर्गत था। तो झारखंड का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से सामने आया है और इससे भी अब पूछताछ होगी तो कई सारे खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है।